कोरोनाच्या कालावधीत मुलांचं शैक्षणिक नुकसान झालंय, चिंता करू नका, सक्षम पर्याय आम्ही आहोत. शेकडो राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय खेळाडू घडवत 10वीच्या 100% निकालाची परंपरा जपणारी आता 4थी ते 12वी मराठी आणि सेमी इंग्रजी माध्यमासाठी मोजकेच प्रवेश. चैतन्य पब्लिक स्कूल आणि ज्युनियर कॉलेज अब्दुल्ला, सैनिकी पॅटर्न निवासी शाळा, तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर. मोबाईल 98 90 10 19 10 96 23 55 55 71. आता वळ सविस्तर वृत्तांताकडे. समीना बागवान मृत्यू प्रकरणी पालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सरकारी पठडीतील उत्तर देत कागदी घोडे नाचवण्याचं काम सध्या सुरू केलंय. गोलचावडी दवाखान्यात डॉक्टर आणि स्टाफच्या निष्काळजीपणामुळं समीना बागवान अन गर्भाचा मृत्यू झाल्याची तक्रार नातेवाईकांनी केली आहे. या दोहोंच्या मृत्यूस डॉक्टर आणि स्टाफची बेफिकिरी कारणीभूत असल्याचा आरोप आप्तेष्ट मंडळींकडून केला जातोय. गर्भवती महिलेकडे दुर्लक्ष करणं, क्रिटिकल कंडिशन असताना सुद्धा बेपर्वा वागणं, ही बाब वैद्यकीय सेवेला काळीमा फासणारी आहे. अशा संतप्त प्रतिक्रिया बागवान कुटुंबियांनी व्यक्त केल्या. वेळीच लक्ष दिलं असतं तर समीना बागवान आणि बाळ वाचलं असतं अशा भावना मांडण्यात आल्या. पर सकते सक कार्रवाई होना चाहिए. सीजर करना या नॉर्मल करना, दो बोले, दो में से एक बोलो. बोले हमें, बोले नॉर्मल होती के सीजर होता है, बोलो बोले नहीं हम नॉर्मल करो बोले थे. हाँ तो सीजर, सीजर उन्होंने सीजर करना है नॉर्मल करना. नहीं नॉर्मल होती है तुम्हारी डिलीवरी, तुम क्यों सीजर करके ले रही हो. नॉर्मल तुम्हारी डिलीवरी होती है तुम्हें नॉर्मल करो बोले. ऐसे हमें वहाँ चुके फिर दवा डाले, उन्होंने आए सुबह में आके देख के गए, सब ट्रीटमेंट उनका करके गए. शाम में तक आए नहीं, एक फोन भी नहीं लगाए कि नॉर्मल भी के सीजर का टाइम आया. अगर वो पूछे नहीं उन्होंने, एक बार भी आए भी नहीं, पूछे भी नहीं. ना सिस्टर को बोल रहे हैं कि डॉक्टर को बुलाओ, बात करो उनको, बोले तो उन्होंने भी नहीं बुलाए. नहीं तो इतना टाइम वहाँ 4 बज रहे हैं 3 बज रहे हैं, अभी आए नहीं, तेरे को बोल रहे हैं बुला को लियो, नहीं तो हमारा पेशेंट हमारे को छोड़ो, बोले तो भी नहीं छोड़े. होती अभी 10 मिनट में होती, अभी 10 मिनट में होती होती बोल के 8 9 बजे वो भी उनका ऑपरेशन था, वो डॉक्टर लोग का 8 ऑपरेशन थे, उसलिए वो देखने के लिए आई थी, हमारा पेशेंट भी देखने के लिए नहीं. फिर वो जब देख को बोले हमारे अच्छा, हम इसके दवाखाने गए थे गुंजटी करके सीजर करते क्या, अगर कुछ नहीं करते तो उन्होंने बोले नहीं मैं मशीन से ये काट दू, आओ वापिस, बोले तो वापिस आए. आए तक क्या करे उन्होंने, पूरा दरवाजा लगा के उन्होंने क्या करेगी क्या नहीं की, क्या नस काटेगी क्या करेगी. आए तक पूरा बिल्डिंग चालू था, 15 मिनट में लेके जाओ उनको सिविल को कर. फिर 15 मिनट में हमें गए बच्चे के ठोके तो जबीज गए थे, 15 मिनट में हमें ले पाए. उन्होंने एक बार भी ऐसा बच्चे के ठोके है क्या, बीपी कम है क्या ज्यादा भी, ऐसा देखे से नहीं कुछ भी, खाली आने का दबाने का, आने का दबाने का. नीचे से भी फाड़ कूदता पूरा खुनाखुन करे, और थोड़ा जाको प्राइवेट धक्का लगे, प्राइवेट में जाको है तक पूरा उसका पूरा बिल्डिंग चालू है, उसको बैठने नहीं आ रहा, हो सोने नहीं आ रहा, कुछ ले पड़ा. हाँ रिक्शा भी, रिक्शा में ले गए, एम्बुलेंस भी नहीं. फिर मैं तो उन्होंने क्या बोले, पेशेंट सीरियस है, बच्चे की कंडीशन बहुत सीरियस है, बच्चे की थैली भी काटना पड़ता है, सीजरिंग भी करता है बोल को बोले उन्होंने. फिर हम बड़ी जान बचाने के लिए क्या करना है करो बोल के बोले फिर उनको. इकड़े आरोग्य अधिकारी डॉक्टर बसवराज लोहारे यांनी सरकारी छाप उत्तर देत हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. या संदर्भात संबंधित वैद्यकीय अधिकारी व तेथील ऑन ड्युटी जे स्टाफ होता त्यांना नोटीस बजावलेली आहे, त्यांचे खुलासेही आज प्राप्त झालेले आहेत. संबंधित खुलासेचं अवलोकन करून माननीय आयुक्त यांच्याकडे सदर केसबाबत पुढील निर्णय असतो, सदर फाईल सादर केली जाईल व त्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल. याबाबत जे काही जे आरोप आहेत ते लेखी स्वरूपात आमच्याकडे त्याचा अर्ज प्राप्त झालेला आहे, तो अर्ज आणि डॉक्टरांचे म्हणणे तसेच तेथील केस पेपर या सर्व नसती या संबंधित जी समिती असते या समितीकडे आम्ही माननीय जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्याकडे हलगर्जीपणा झाला किंवा कसे याबाबत ठरवण्याबाबत एक समिती असते, त्या समितीकडे सर्व कागदपत्र आम्ही वर्ग करणार. दरम्यान पालिका आयुक्त पी शिवशंकर यांनी सर्वप्रथम डॉक्टर सुनीता देगावकर यांना कारवाईचा डोस देऊन नंतर चौकशी करावी अशी मागणी बागवान कुटुंबियांनी केली आहे.